viewers, know the reality before you purchase the phone. कोई भी फोन खरीदने से पहले उसकी रियलिटी जान ले तब उसको खरीदे. वी कैन चेक द फोन दैट इट इज वैलिड और इनवैलिड और थेफ्ट फोन. चोरी का फोन है या वैलिड है या इनवैलिड है, इसको हम किसी भी फोन को खरीदने से पहले चेक कर सकते हैं. गो टू http://ceir.gov.in homeindex.jsp इस साइट पर जाइए, प्लेटफॉर्म पे. Where you get a service KYM, know your mobile. With the help of this, you can check your device correct position. आपके device जो आप खरीद रहे हैं उसकी position क्या है वो आप इससे जान सकते हैं. With this, if you register on *#06#, you can find IMEI number. It will show the mobile status on phone screen, like it is a blacklisted phone, it is a duplicate phone, it is a used or unused phone, or it is a theft phone. It will tell you each and everything when you register in *#06# in a site ceir.gov.in. So you register there and *#06# and get the real position of the phone. So there are three methods available to know the mobile status, and now you can know what is the status of the phone, whether it is working properly or not. So for that, your first method is verification through SMS. अब आप SMS करिए तो आपको वेरीफाई करके वो बताएगा कि फोन सही है कि नहीं. राइट के वाई एम एंड देन 15 डिजिट IMEI नंबर ऑफ द फोन. फोन का जो IMEI नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है. उसको के वाई एम लिख करके उस 15 डिजिट को जब आप लिख करके 14422 पे SMS करिएगा, इट विल सेंड यू अ करेक्ट स्टेटस ऑफ द फोन एंड इन्फॉर्म यू दैट इट इज अ ब्लैक लिस्टेड, डुप्लीकेट और नॉट sold by seller without IMEI number. So it is assumed that it is a invalid. अगर आपका IMEI number सही नहीं है तो वो invalid बोल देगा, या without IMEI number है तो वो number को valid नहीं बताएगा. Then second method is CRR web portal. Go to know your mobile option. यहाँ पर CRR web portal पे जाइए, फिर वहाँ पे know your mobile option पे जाइए, फिर क्लिक करिए वही साइट जो हमने अभी बताई है, जहाँ पर ceir.gov.in. लेकिन इस बार device ceir.imeiverification.jps लिखेंगे. जब इस पेज पर पहुँचेंगे, here register your mobile number, it will ask for OTP. यहाँ पे अपने मोबाइल को रजिस्टर करिए तो वो OTP मांगेगा, which will send in your mobile and you enter that OTP. It will ask the IMEI number. तो आप वहाँ पे जब फोन रजिस्टर करिएगा और उस पर OTP आएगा, उसको जब आप डालिएगा तो वो आपसे IMEI number मांगेगा. You give IMEI number if the phone IMEI number is blocked or without IMEI number. Don't take that phone number. It is invalid. तो उस phone number को मत लीजिए, phone को मत लीजिए, वो invalid phone है. But if IMEI number is valid, then it will send you IMEI is valid number. You can purchase. Valid होगा तो भी बताएगा, invalid होगा तो भी बताएगा. थर्ड मेथड इज KYM, नो योर मोबाइल ऐप. एक ऐप आता है जिसके थ्रू आप मोबाइल के बारे में पता कर सकते हैं. दिस एंड्रॉयड ऐप इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स. विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड अबाउट योर IMEI नंबर, वेदर इट इज वैलिड और नॉट. हियर यू विल गेट द information about device manufacturer, brand and model of the IMEI.
तो यहाँ पर आपके फोन के बारे में वो सब कुछ बता देगा कि क्या क्या है इसमें, और हमने इसको 14422 पे एसएमएस करके चेक किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन फोन की दे देता है। तो फर्स्ट मेथड जो एसएमएस वाला है वो सबसे इजी है, इस पे जा कर के आप 15 डिजिट का अपना IMEI नंबर लिखिए तो पता लग जाएगा कि आपका फोन वैलिड है कि नहीं है। वैसे ऐप भी अच्छा है, इस पे जा कर के आप फ्रीक्वेंटली इंस्टेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर योर फोन इज गुड और नॉट, कहीं चोरी का तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप फोन खरीदने से पहले चेक कर लेते हैं, और इस पे क्या क्या फैसिलिटी है, स्क्रीन कैसी है और डिस्प्ले कैसा है, सारी फैसिलिटी वो इस पे इंफॉर्मेशन दे देगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन यू कैन चेक योर फोन वेदर योर फोन इज वैलिड और इनवैलिड एंड फाइंड आउट अ प्रॉपर IMEI नंबर, बिकॉज इट इज हेल्पफुल व्हेन योर फोन गेट स्टोलन बाय समवन एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर फोन विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर। थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज ऑल टुडे। If you like it, please share and subscribe. Thank you.